किसान भाइयों नमस्कार। मैं अमित गांव मेरा फर्टिया केहर तहसील लोहार डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूं। पैसे से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं। उसके साथ साथ मेरा दूसरा मूल व्यवसाय जो खेती का है। मैं वेस्ट डिकम्पोजर वैसे तो एक साल से प्रयोग कर रहा हूँ। जब पिछले सीजन में मेरे कपास थे उस टाइम से मैंने यूज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने केमिकल्स का और पेस्टिसाइड जो खाद का प्रयोग किया था। लेकिन पूर्णतः अगर वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर अगर मैं आया हूँ तो इसी फसल से आया हूँ। मैंने राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद जाकर मैं वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल लाया। उसके बाद मैंने 200 लीटर का ड्रम लिया। 200 लीटर के ड्रम में 200 लीटर पानी डाल के 2 किलो गुड़ डाला। 2 किलो गुड़ डालने से एक वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल डाली जो 6 से 7 दिन में बनकर रेडी हो गया। किसान भाइयों, जब मैंने इस साल मेरी फसल जब गेहूँ की और सरसों की फसल निकलवाई तो वास्तव में बिलीव नहीं होगा आपको कि इतना बढ़िया अगर उसकी ग्रोथ देखें तो विश्वास नहीं होता कि वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से ये हो पाता या नहीं हो पाता। मेरे को भी विश्वास नहीं था, लेकिन इस साल जब मैंने अपने 16 एकड़ में इसको प्रयोग किया तो उसके परिणाम जो मिले वो परिणाम अविश्वसनीय परिणाम थे। अगर मैं थोड़ा सा मैंने डिटेल बनाया है, अगर हमें गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में जैसे अगर पेस्टिसाइड रासायनिक खादों के माध्यम से अगर हम खेती करते हैं तो उसमें जो हमारी लागत आती है उसका ब्यौरा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। 1200 रुपये जिसमें DAP का एक बोरा आता है, 1200 रुपये की यूरिया लग जाती है, 700 रुपये की जिंक जिप्सम वगैरह वगैरह वो लग जाता है, 400 रुपये की जो गेहूँ जब लगता है उगता है उस टाइम जो उसमें दिमक का प्रकोप आता है उसमें 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो रासायनिक दवा हमें लानी पड़ती है, 600 रुपये की जो खरपतवार नाशक का प्रयोग करना पड़ता है, काफ़ी मात्रा में जो खरपतवार होती है जिससे हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा खरपतवार उन्हीं खेतों में देखने को मिलती है। दूसरा 300 रुपये की जो जाइम वगैरह वगैरह जो बाद में यूरिया में मिला के हम उसका छिड़काव करते हैं ताकि हमारा गेहूं की बढ़ोतरी हो। जो इन्हें पेस्टिसाइड कंपनियों और रासायनिक खाद बनाने वाले कंपनियों ने जो किसानों को दिनों दिन लूटने का जो काम कर रहे हैं ये हमें लाना पड़ता है। अगर टोटल इसका एवरेज निकालें तो 4400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी लागत आती है। हमारी बिजाई के बाद 4400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लागत आती है। अगर मैंने जैसे 8 एकड़ में मेरा गेहूं था, अगर उसका आंकलन मैं निकालूं तो 8 एकड़ में 35200 रुपये जो लागत जो DAP यूरिया जिंक जिप्सम दिमक के लिए प्रयोग की जाने वाली रासायनिक दवा खरपतवार नाशक और जाइम वगैरह वगैरह का प्रयोग करता हूँ। अब दूसरी साइड जब पिछले साल की भांति जो मेरा गेहूं की अगर जब मेरा गेहूं मैंने निकलवाया पिछले साल की भांति 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा जिसका पैदावार जो गेहूं की हुई। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, गेहूं की जब मैं काफ़ी साल से देख रहा हूं गेहूं निकलवा रहा हूं, लेकिन इस साल का जो गेहूं मैंने निकलवाया आपको एक बात बतानी चाहूँगा। चाहे तो जैसे गेहूं का ढेर हम लगाते हैं, गेहूं के ढेर के नीचे से आप अनाज उठा लीजिए या आप जैसे ढेर से ऊपर से उठा लीजिए, उस गेहूं की साइज जो है वो बिल्कुल बराबर मात्रा में साइज है, सुडोल है, अच्छा है, सुंदर है, वजन में भारी है। जैसे हम अपने मजदूरों को गेहूँ देते थे उसके लिए हमने बाल्टी या एक पिप्पा बना रखा है। पिछले साल उसकी अगर हमने उसकी तुलाई जब की पीपा भरने के बाद तो वो 14.5 किलो का बैठा था, लेकिन अब की बार जो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से मैंने गेहूं अगर बोया तो वो 15.5 और 16 किलो के आसपास वो पीपा हमारा अब की बार, यानी गेहूं वजन में भारी। अगर जिस टाइम गेहूं निकला उस टाइम ये नहीं लग रहा था कि इतना गेहूं बैठेगा, लेकिन जब इसको बाजार लेके गए जब इसका वजन करवाया तो 2.5 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा एवरेज है। अगर 8 किलो का निकालें तो 5205 रुपये की इधर मेरे को फ़ायदा हुआ। अगर टोटल अगर 8 किले की बात करें तो 41,640 रुपये की जो मेरे को यानी वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद की दिशा निर्देश से अगर उनके द्वारा बनाई हुई एक वेस्ट डिकम्पोजर किसानों के लिए दिनों दिन आंखों का तारा जो बनता जा रहा है उसके माध्यम से 41,640 रुपये का जो मेरे को बेनिफिट हुआ। अगर दोनों को अगर काउंट करूँ मैं तो 76,840 रुपये जो मेरे को इस साल
लागत भी मेरी कम हुई, दूसरा मेरे गेहूं में वजन में भी गेहूं मेरा ज़्यादा बैठा, तीसरा यानी उसमें जो पैदावार हुई वो पैदावार भी पिछले साल की बात है 2.5 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा हुई, तो यानी 76,840 रुपये का 8 एकड़ में मेरे को बेनिफिट हुआ। दूसरी अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में भी जैसे रासायनिक खादों रासायनिक दवाओं के माध्यम से अगर टोटल आंकलन करें तो मैंने जैसे जोड़ा अपना जो पिछले साल जो किया था उसका अगर आंकलन जोड़ा है 1200 रुपये की DAP, 900 रुपये की यूरिया, 700 रुपये की पोटास जिंक, 300 रुपये की सल्फर, 400 रुपये की जिस समय सरसों जब उगती है उस टाइम उसमें जैसे वो बोलते हैं उस रोग को जैसे धोलिया रोग बोलते हैं जिसे पत्ते धोले हो जाते हैं और धोले होकर वो सरसों निकल जाती है, उसके लिए हम जैसे 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दवा का प्रयोग करते हैं, 1200 रुपये जिसमें तना गलन होता है तना बिल्कुल गल जाता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, 300 रुपये चेपा जो बाद में फलियाँ आती हैं उस टाइम हरा चेपा जो हो जाता है उसके रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं, 600 रुपये वही जो जाइम मैं आपको बता रहा था पहले उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार 5600 रुपये की लागत आती है प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 8 एकड़ की जोड़ी जाए, अगर टोटल आंकलन किया जाए 8 एकड़ का अगर आंकलन करें तो 44,800 रुपये की जो लागत है इस साल जो मेरे 8 एकड़ में वेस्टी कंपोजर के माध्यम से जो कम हो पाई। अगर उसकी पैदावार की बात करें तो 2 से 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मैं मेरी सरसों जो पिछले साल था इस साल ज़्यादा निकली। अगर उसका आकलन करें जैसे 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी हरियाणा सरकार जो सरसों ले रही है अगर उसके हिसाब से अनुमान लगाएं तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ मेरे को यहाँ पर पैदावार में बेनिफिट हुआ। टोटल अगर आंकलन मैं सरसों का करूँ तो 1,24,800 रुपये मेरी इस साल सरसों में मेरे को जो बेनिफिट हुआ। अगर गेहूं और सरसों जोड़ी जाए तो 2,06,000 रुपये इस साल मेरी वेस्टी कंपोजर के माध्यम से रासायनिक खादों पर लगने वाला खर्चा और वेस्टी कंपोजर के माध्यम से होने वाले पैदावार का अगर मैंने आपकी छोटी सी तालिका आपके सेवा में पेश की है तो दूसरा जब मैं वेस्टी कंपोजर जब मैं यहाँ अकेला यूज कर रहा था जब एक चीज़ और मैं आपको बतानी चाहूँगा हमारी जो ज़मीन थी इतनी पत्थर कठोर हो गई थी जो वेस्टी कंपोजर के माध्यम से अगर आज हम इसको देखें तो बिल्कुल मुलायम है। दूसरा जब गेहूं की देखें जैसे तेज़ हवा चली थी या बरसात आई थी तो यहाँ जो मेरे पड़ोसी किसान भाइयों के जो गेहूं थे वो बिल्कुल गिर गए थे लेकिन मेरा गेहूं अगर देखें तो एक पत्ता एक टहनी भी गिरने का यानी गेहूं का कोई जो आज वेस्टी कंपोजर के माध्यम से हो पाया है। अब मैं वेस्टी कंपोजर के माध्यम से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मैंने घोल तैयार किया वेस्टी कंपोजर के माध्यम से आज हम रासायनिक दवा हमारी जो प्रयोग करते थे वही हम वेस्टी कंपोजर के माध्यम से बढ़िया कीटनाशक जो बना सकते हैं जो हमारी फसल में आने वाले कीटनाशकों से हमें छुटकारा दिलाता है। दूसरा मैंने वेस्टी कंपोजर के माध्यम से अपने गोबर की खाद को डीकंपोज करने का काम किया। तीसरा जैसे हमारी जमीन मेरी जमीन में कहीं भी केंचुए देखने को नहीं मिलते थे आज अगर जहाँ भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर केंचुओं की काफ़ी मात्रा में काफ़ी तादाद में संख्या मेरे खेत में देखने को मिलेगी। मैं तो किसान भाइयों से यही विनती करना चाहूँगा जैसे मैं आपको अपनी कंपोस्ट खाद दिखाना चाह रहा हूँ एक बार आइए जो वेस्टी कंपोजर के माध्यम से जो तैयार की गई है अब देखिए ये जो कंपोस्ट खाद मैंने वेस्टी कंपोजर के माध्यम से जो 40 से 45 दिन में बनकर रेडी हो गई ये मेरे यहाँ कैचुआ प्लांट था जो कैचुआ प्लांट में 3 महीने या 3.5 महीने का जो समय लगता था वो मात्र 40 से 45 दिन में इतनी बढ़िया गोबर की खाद बिल्कुल दुर्गंध रहित अगर बात करें तो ये खाद जो मैं अपने खेत में प्रयोग करने जा रहा हूँ। और दूसरी साइड खेत में देखें कोई भी खरपतवार आपकी बार नहीं हुई कोई भी जैसे अनावश्यक जो खरपतवार खेत में जन्म लेती थी उनसे मेरे को छुटकारा मिला, फसल में आने वाले रोगों से छुटकारा मिला। मेरी सरसों के अंदर जो एक रोग आता था जो उसकी जड़ में तने में जड़ में जो लगता था वो रोग मेरे खेत में पूर्णतः खत्म हो गया। अंत में मैं किसान भाइयों से यही विनती करना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का विजिट कीजिए, वहाँ हमारे जो डॉक्टर हैं हमारे डायरेक्टर महोदय श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी उनसे जाके मिलिए, हमारे सूक्त निदेशक महोदय डॉक्टर श्री जगत सिंह जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने समय समय पर मेरे को वेस्टी कंपोजर के फायदों के बारे में उनके तौर तरीकों के बारे में जो समय समय पर मेरे को जानकारी देते रहते हैं मोटिवेशन करते
रहते हैं, मैं शुक्र गुजार हूँ मेरे पैरेलल किसान जो मेरे बड़े भाई के सम्मान हैं श्रीमान पंकज कुमार वर्मा जी, जिनके दिशा निर्देश से जिनकी मैं वहाँ गाजियाबाद जाकर जिनका फार्म मैं देख के आया, उन्होंने इतना बढ़िया मुनाफा जो वैसडी कंपोजर के माध्यम से जो कमा रहे हैं। आज मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वैसडी कंपोजर आज किसानों के लिए एक तारा बन चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी का, धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान डॉक्टर जगत सिंह जी का, और धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्रोडक्ट जो बना के किसानों के बीच में जो सस्ता 20 रुपये में जो मिलता है उतारा है। बड़ा शुक्र गुजार हूँ जो आज किसानों जो लगातार किसानों की जो आमदनियाँ घट रही हैं, लागत बढ़ रही है, उसको कम करने का काम करेगा। आज हम वैसडी कंपोजर के माध्यम से बढ़िया गोबर की खाद कंपोस्ट करने का काम कर सकते हैं, वैसडी कंपोजर के माध्यम से बीज उपचार कर सकते हैं, वैसडी कंपोजर के माध्यम से हम सिंचाई में पानी दे सकते हैं। जो हमारी जमीन कठोर और जटिल हो चुकी है, क्षारीय जमीन हो चुकी है, लवणीय जमीन हो चुकी है, उसमें वैसडी कंपोजर हमें बहुत ही फायदेमंद रहेगा। वैसडी कंपोजर हमारी फसल में आने वाले कीटों से रोकथाम में भी हमें फायदा देगा। जो वैसडी कंपोजर के माध्यम से बढ़िया कीटनाशक जो बना सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो घोल डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी ने जो बार बार बताया, उसका किसान भाई प्रयोग कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 20 रुपये में इतनी सस्ती जो हर किसान लेने में अवेलेबल है, हर किसान ले सकता है इसको और उसकी इसके बेनिफिट और फायदे उठा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का विजिट कीजिए, वहाँ डॉक्टर श्री जगत सिंह जी से मिलिए और उनसे इसके बारे में दिशा निर्देश लीजिए और वैसडी कंपोजर का प्रयोग अपने फार्म में लाके कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसी के साथ मैं फिर अगेन दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी का, धन्यवाद देना चाहूँगा श्री महान डॉक्टर जगत सिंह जी का, और धन्यवाद देना चाहूँगा श्री पंकज कुमार वर्मा जी का। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।